अभिनव और उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अभिनव ने उन्हें वैशाली के बारे में सब बता दिया था कि वैशाली जिंदा है और कैसे वो सब भूल चुकी थी और उसे अब सब याद आ चुका है। सब घरवाले उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा अक्षत की फिक्र थी। जैसे ही वो सब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अक्षत के बारे में पूछा। ये पता लगने के बाद कि अक्षत ठीक है, उन्होंने चैन की सांस ली। अक्षत की दादी और दादा भी वैशाली से मिलने आए हुए थे। वैशाली ने सबसे पहले उनके पैर छुए और उसके बाद अपनी नम आंखों से उनकी तरफ देखा। अक्षत की दादी वैशाली को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और वहीं अक्षत की माँ दूर से ये सब देख रही थी। वो एक बार भी वैशाली के पास नहीं आई, वो बस दूर से ही उसे घूरे जा रही थी। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मोनिका थी। मोनिका ने एक नजर वैशाली की तरफ देखा और फिर अक्षत की माँ की तरफ। मोनिका ने कहा, क्या हुआ आंटी, आप वैशाली के आने से खुश नहीं लग रही? मोनिका की बात सुनकर गायत्री जिंदल ने नफरत से वैशाली की तरफ देखा और कहा, जब तक ये अक्षत की लाइफ में नहीं थी तब तक मेरा बेटा अच्छा था। हालांकि वो थोड़ा उदास रहता था, लेकिन कम से कम वो ठीक तो था। और देखो किस्मत का खेल, इस लड़की को आए हुए ठीक से एक महीना भी नहीं हुआ है और इसने आते ही मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैं इस लड़की से पहले भी नफरत करती थी और अब भी नफरत करती हूँ। अक्षत की माँ की बातें सुनकर मोनिका को काफी अच्छा लगा। ये सच में काफी अच्छी बात थी उसके लिए। अगर उसको अक्षत को हासिल करना है तो उसको गायत्री जिंदल के साथ बनाकर रखनी होगी, ताकि उसके लिए ये आसान हो जाए। लेकिन जितना आसान ये दिख रहा था उतना आसान ये नहीं था। अक्षत 4 सालों में वैशाली को नहीं भूल पाया और अब तो वो वापस आ चुकी थी। अब ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। हॉस्पिटल में सब लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर उन्हें काफी सारे लोग आते हुए दिखाई दिए। जैसे उन सब लोगों के बीच में चल रहे इंसान पर उनकी नजर पड़ी तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अक्षत के पापा विक्रम जिंदल थे। विक्रम जिंदल सीधा आकर अक्षत के सामने खड़े हो गए, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। अक्षत के पापा विक्रम जिंदल ने किसी के साथ बात नहीं की, सबकी नजरें अब उन दोनों को ही देख रही थी। विक्रम जिंदल कभी अक्षत को देखते तो कभी उसके पास बैठे निहाल को। निहाल बिल्कुल अक्षत जैसा लग रहा था, जिसकी वजह से विक्रम जिंदल की आंखें काफी हद तक नम हो गईं। निहाल ने भी हैरानी से उन्हें देखा, क्योंकि वो उसे ही घूरते हुए देख रहे थे और निहाल उन्हें नहीं जानता था, जिस वजह से परेशान होकर निहाल ने अक्षत की तरफ देखकर कहा, ये कौन है और हमें ये इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अक्षत ने घूर कर विक्रम जिंदल की तरफ देखा और कहा, ये हमारे कुछ नहीं लगते, हम इन्हें नहीं जानते हैं। अक्षत की ये बात सुनते ही विक्रम जिंदल ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन कम से कम मेरे पोते के सामने तो मेरी थोड़ी इज्जत रख लो। इस बात का अक्षत कुछ जवाब देता कि उससे पहले ही उसकी माँ ने बीच में चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ पर तमाशा खड़ा करने आए हैं, निकल जाइए यहाँ से। हमारे परिवार की शांति भंग करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और ये करने की सोचना भी मत। उनके ऐसे बीच में बोलने से विक्रम जिंदल काफी चिढ़ गए। उन्होंने घूरते हुए उसे कहा, तुम चुप ही रहो तो ही ठीक रहेगा, तुम क्या समझती हो? अगर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तो मुझे भी कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने कई सालों से मेरे बेटे को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने मेरे बेटे को सबसे ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। विक्रम जिंदल की बात सुनकर अक्षत की दादी ने गुस्से में कहा, विक्रम यहाँ से चले जाओ और तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ऐसे हॉस्पिटल में आकर हमारे परिवार वालों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर तुम्हें हमारा मरा हुआ मुंह नहीं देखना है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अक्षत की दादी ने बीच में बोलते हुए कहा तो विक्रम जिंदल ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपनी बात जारी रखते हुए अक्षत की माँ से आगे कहा, तुम क्या सोचती हो कि जो तुमने किया है वो किसी को पता नहीं चलेगा? कुछ समय पहले मुझे कपिल मिला था।
उसने मुझे सब बताया है कि किस तरह से तुमने उसे पैसे देकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अक्षत और इस लड़की को अलग किया था, कैसे तुमने नकली वीडियो बनाकर इन दोनों को दिखाई थी और उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे बेटे को डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ा था। जैसे विक्रम जिंदल की बात पूरी हुई, अक्षत की माँ का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें और क्या नहीं। मोनिका भी वहीं पास में खड़ी हुई थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और सबसे ज्यादा हैरान वहां पर अक्षत था। कुछ देर बाद अक्षत ने गुस्से से चिल्लाकर अपने पापा से कहा, आप बकवास मत कीजिए और यहां से अभी के अभी निकल जाइए। ये सुनकर विक्रम जिंदल अक्षत की तरफ देखकर प्यार से बोले, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो तुम कपिल से पूछ सकते हो। जैसे विक्रम जिंदल की बात पूरी हुई, अक्षत के एक्सप्रेशन बिल्कुल कठोर हो गए। उसकी नजर वैशाली पर गई, जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसने फिर एक नजर गायत्री जिंदल को देखा, जिनका चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से पीला हो चुका था और वो कुछ बोलने की हालत में नहीं लग रही थी। और वैसे भी अगर विक्रम जिंदल झूठ बोल रहा होता तो उसकी माँ कुछ तो बोलती, लेकिन वो तो बिल्कुल चुप होकर खड़ी हुई थी। ये सब देखकर अक्षत समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि अक्षत कुछ कह पाता, विक्रम जिंदल ने बीच में कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच कोई फूट डालने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे और अपने पोते से मिलने आया हूँ। ये कहते हुए विक्रम जिंदल ने अपने पीछे खड़े एक आदमी को अपने पास बुलाया और उससे कुछ पेपर्स लिए। उससे पेपर लेने के बाद उन्होंने निहाल की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बच्चे मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब वो प्रॉपर्टी खुद ब खुद तुम्हारे नाम हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने ये पेपर्स निहाल की तरफ बढ़ा दिए। निहाल ने उन पेपर्स को एक नजर देखा, फिर उसने वैशाली और अक्षत की तरफ देखा। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वैशाली ने उसे कुछ बोलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो चुप हो गया और उसने वो पेपर्स नहीं लिए। अक्षत ने गुस्से में विक्रम जिंदल को जवाब देते हुए कहा, हमें आपकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? विक्रम जिंदल ने कहा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम की है और मैं बात भी उनसे कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? अक्षत ने कहा, वो मेरा बेटा है। अक्षत ने कहा तो विक्रम जिंदल ने निहाल की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बच्चे तुम इसे पकड़ो, मुझे दिख रहा है कि तुम अपने बाप से भी ज्यादा खड़ूस हो, लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए इतनी सी उम्र में इतना खड़ूस होना ठीक नहीं है। पहले तो मेरा मन था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रॉपर्टी को रखो, जिससे मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम तो किया है। अक्षत के दादा, जो काफी देर से वहां खड़ी तमाशा देख रहे थे, इस बार उसने गुस्से से कहा, जब अक्षत ने कह दिया कि उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है तो तुम यहां से जाते क्यों नहीं? विक्रम जिंदल ने उनकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, पापा मैंने पहले भी कहा है कि अक्षत का इस प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पोते के नाम की है, और रही बात अक्षत के मानने की तो आप ही उसे कहिए कि वो मान जाए, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं मनाया तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर विक्रम जिंदल अक्षत के दादा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ था, जिसकी वजह से विक्रांत जिंदल थोड़ा घबरा गए। उन्होंने अक्षत की तरफ देखकर कहा, निहाल के लिए ही काफी अच्छा होगा कि उसके नाम और भी प्रॉपर्टी हो, इसलिए तुम मना मत करो और ये प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लो। दादाजी के कहने के बाद भी अक्षत ने साफ तौर पर मना करते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं। अक्षत के अब मना करने पर विक्रांत जिंदल उसको और ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे। अक्षत ने पूरी तरह से मना कर दिया, लेकिन तभी अक्षत की दादी आगे आई और उन्होंने अक्षत की तरफ देखकर कहा, बेटा मेरी एक बात मान लो, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि तुम ये पेपर्स ले लो। अक्षत ने हैरानी से अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी दादी ने अपनी बात को बढ़ाते हुए दोबारा से कहा, हाँ मैं यही चाहती हूँ,
आखिर इस नालायक ने अपनी पूरी जिंदगी में एक तो अच्छा काम किया है कि अपनी सौतेले बेटी को अपनी प्रॉपर्टी न देकर अपने असली खून को दी है। और सबसे बड़ा कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम बस अभी ये पेपर्स रख लो। अक्षत की दादी की आंखों में भी रहस्य छुपा हुआ था। अक्षत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो सब उसे नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर उसने विक्रांत जिंदल की तरफ एक नजर देखा, उनकी आंखों में भी थोड़ा खौफ था। उसके बाद उन्होंने विक्रम जिंदल की तरफ देखकर कहा, ठीक है, लाइए दीजिए। ये सुनते ही विक्रम जिंदल खुश हो गए और उसने उनकी तरफ वो पेपर्स बढ़ा दिए। उसने एक नजर निहाल की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें एक बार गले लगाना चाहता हूं, क्या तुम मुझे गले नहीं लगोगे? ये कहकर वो निहाल की तरफ बढ़ने लगे तो अक्षत ने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन वैशाली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, उन्हें मिल लेने दीजिए, वो उनका भी पोता है। वैशाली की बात सुनकर अक्षत थोड़ा शांत हुआ। निहाल ने भी कोई विरोध नहीं किया। वैसे तो उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जितना भी आया वो ये समझ चुका था कि इस आदमी के साथ उसका कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। तभी विक्रम जिंदल ने निहाल को गले लगाया। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने काफी देर तक निहाल को गले लगाए रखा। उन्होंने बचपन में अक्षत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन निहाल के अंदर वो अक्षत की छवि देख सकते थे। निहाल को गले लगाए हुए उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर के बाद जब उन्होंने आंखें नहीं खोली तो निहाल ने चिल्लाते हुए कहा, आप मेरे ऊपर पूरी तरह से कैसे बैंड हो गए, मुझे घुटन हो रही है। जैसे निहाल ने ये कहा, एक बार सबने उन दोनों की तरफ देखा। अभिनव भी तब तक रूम में आ चुका था। उसने सीधा आकर विक्रम जिंदल को निहाल से अलग किया तो उन्हें पता लगा कि विक्रम जिंदल बेहोश हो चुके हैं। फिर जैसे उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया और उनका चेकअप किया गया तो पता लगा कि उनकी मौत हो चुकी थी। वो ब्लड कैंसर की फोर्थ स्टेज से गुजर रहे थे और उनका बचना नामुमकिन था। रिपोर्ट अक्षत के हाथों में थी और उसका चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस था। उसका चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में और उसके दिल में इस वक्त क्या है। आखिर क्या राज छोड़कर गए हैं विक्रम जिंदल अपने पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर